रफ्तार देखिए खुद कितना स्पीड से जा रहा है गाड़ी। 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। इस पे तो 100 से नीचे 80 से नीचे कोई गाड़ी नहीं जाता है फोर व्हीलर। चल रहे हैं रोड पे हम लोग तो डर तो लगता है, ये बाइक से बारिश के दिन तो डर लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हम पटना के सबसे डेंजरस पुल पर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये राजा बाजार ब्रिज है जो कि आगे राजा बाजार चला जाता है और ये बेली रोड यानी पटना जू के पास से ये ब्रिज जो है, इस ब्रिज पर आप चढ़ते हैं और सीधे इस ब्रिज की लंबाई अगर माने तो लगभग 2 किलोमीटर की, यानी लंबी ब्रिज है। और इस पुल पर सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ होती है। इसका मुख्य कारण जो है वो तेज़ रफ्तार है। देखिए पटना में अभी मानसून ने दस्तक दी है और बारिश जो हुई है लगभग 10 मिनट तेज़ बारिश हुई है, उसके बाद ब्रिज पर भी हल्का फुल्का पानी जो है जमा है, मगर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थम नहीं रही है, रफ्तार जो है वो बढ़ती ही दिख रही है। तेज़ रफ्तार के साथ तमाम जो वाहन चालक हैं वो जो है इस ब्रिज पर गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं, चाहे हम बात करें 4 चक्के की, चाहे हम बात करें 2 चक्के की, यानी कि 4 व्हीलर की अगर हम बात करें या बाइक की, रफ्तार जो है वो थम नहीं रही है। तेज़ रफ्तार के साथ इस पुल पर गाड़ियाँ दौड़ रही है और यही मुख्य कारण है कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना जो है वो इस ब्रिज पर होता है। इसीलिए हम आपको बता भी रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पुल जो है पटना का माना जा रहा है। रफ्तार तेज और फर्राटे मारते जो गाड़ियां हैं निकल रही है, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही है किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ रही हैं। और सबसे अधिक अगर सड़क दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक इसी पुल पर सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। अक्सर जो खबरें निकल कर आती हैं कि इस पुल पर सड़क दुर्घटना हो गई है, मगर तस्वीरें जो हैं वो यहाँ आने के बाद साफ साफ बयां करती है कि जिस तरीके से तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ जो है यहाँ पर दौड़ रही है, यही मुख्य कारण जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना का माना जा रहा है। और तस्वीरें एक बार पुनः आप देखिए, बारिश हुई है, बारिश के बावजूद जो है वो गाड़ियों की रफ्तार जो है वो कम नहीं हो रही है। तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं और तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो बाइक है, बाइक चालक जो हैं वो भी तेज़ रफ्तार के साथ बाइक को दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 व्हीलर की अगर हम बात करें तो 4 व्हीलर भी तेज़ रफ्तार के साथ इस पुल पर दौड़ती दिखाई दे रही है और यही कारण है कि सबसे ख़तरनाक पटना का कोई पुल है तो राजा बाजार पुल को ही माना जा रहा है और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ जो हैं वो इसी पुल पर हुआ करती हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से भी बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि इस पुल पर जब वो गाड़ियां दौड़ाते हैं अपने तो उन्हें कितना डर लगता है। कुछ लोग इनसे बात करें, कितना डर लगता है इस पुल पर आप गाड़ी चला रहे हैं? जी सर, बिल्कुल डर लगता है और एक तरह से हमारे लिए ये सही भी है पुल, क्योंकि नीचे काफ़ी जाम लगता था। एक टाइम था कि हम लोग आते थे तो बहुत काफ़ी जाम लगता था, अभी तो फिलहाल राहत है, बट कोई कोई ऐसे है कि मतलब कोई लहरिया काटते आते हैं, कोई कभी कैसे आ जाते हैं। 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, दो नीचे से तेज़ी से बाइक जा रहा था, पेपर में भी आया था कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, कि कोई 4 व्हीलर जा रहा था बहुत तेज़ी से, तो एक इंजीनियर था यहाँ गोला रोड के, उसको मारा तो बेचारा एक्सीडेंट होकर डेथ हो गया। और एक को यहाँ क्या बोलते हैं, आगे कचरी आगे वहाँ रुकनपुरा से आगे वहाँ लगा को, तो अभी हॉस्पिटल है मैं अभी तक। इतना डर लगता है इस पुल पर चलने? बहुत यहाँ इस पे तो 100 से नीचे 80 से नीचे कोई गाड़ी नहीं जाता है फोर व्हीलर, कोई नहीं। देख लीजिए अभी भी रफ्तार देखिए खुद कितना स्पीड से जा रहा है गाड़ी, और सिंगल है सर प्लस में, और यहाँ साथ साथ लहरिया भी काफ़ी है। जी बिल्कुल, जो प्रशासन वहाँ नीचे है उसको कम से कम एक प्रशासन को यहाँ रहना चाहिए था ये सब देखने के लिए। अगर नीचे से आ रहा है वो मानते हैं, लेकिन ऊपर भी रहना चाहिए इसके लिए, बस यही कहेंगे। यानी आप लोग भी चलते हैं तो डर लगता है? जी बिल्कुल, हम लोग भी अपने नॉर्मल रफ्तार से ही रहते हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत काफ़ी स्पीड से आता है इधर गाड़ी। हमने पहले भी जिक्र किया था कि तेज़ रफ्तार के साथ इस पुल पर वाहन दौड़ती है, यही कारण है कि सबसे अधिक जो एक्सीडेंट है, सड़क दुर्घटना जो है वो इस ब्रिज पर हुआ करता है।
अन्य लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाहन बहुत तेज रफ्तार में आ रही है, तो हम लोगों से अक्सर कोशिश करेंगे कि वो अगर धीमा करके रोक दें तो उनसे हम कुछ बात कर लें। सर, सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना इस ब्रिज पर होती है, तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, डर लगता है सर ऐसे में चलने? बिल्कुल डर लगता है, डर तो लगता ही है, चल रहे हैं रोड पे हम लोग तो डर तो लगता ही है, बाइक से बारिश के दिन तो डर लगता है। कुछ लोग तो लहरिया मारते भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने ही है, अब हम लोग तो देखिए लहरिया मारते मतलब है नहीं, और हम लोग तो साधारण आदमी हैं। अब तो जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो बाइक पर बैठ रहे हैं तो भाई उनका जोश है, अब लेकिन वो करना नहीं चाहिए उनको ऐसा, और मर रहे वही मर रहे हैं, जो कर रहा है वही ना मर रहा है। अच्छा, 50 के स्पीड से जो गाड़ियाँ चल रही हैं इस ब्रिज पर, बोर्ड तमाम जगह लगा है मगर ऐसा दिख नहीं, 50 की स्पीड से कोई गाड़ी दौड़ रही है? नहीं, दौड़ तो रही है। 50 के अधिक स्पीड दिख रही है तमाम गाड़ियों? हाँ, दिख तो रही है, 50 से नीचे ही लेकिन रहना चाहिए हम लोग, सड़क दुर्घटना के कारण 50 से नीचे ही रहना चाहिए हम लोग, हमारा स्पीड आप देखा होंगे 40 से नीचे ही था, इसलिए हमने आपको रोका भी, क्योंकि आप नियंत्रण में थे। सर, ये बताइए कि आप इस ब्रिज पे चलते हैं, जब गाड़ियाँ चढ़ाते हैं तो कितना डर लगता है? सर, डर तो इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि ज़्यादा बाइक से ही डर लगता है, गाड़ी से कार से डर नहीं लगता है, डर बाइक से ही लगता है, क्योंकि आपके आगे से कोई कॉट मार निकल जाता है, कोई ऐसा करता है, तो डर तो उसी से ज़्यादा लगता है। क्या नाम है? अनिल सिंह। तो आपने सुना कुछ लोग जिनकी गाड़ियां जो है नियंत्रित चल रही हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, और इन तमाम लोगों का कहना है कि इन्हें डर लगता है जब वो इस ब्रिज पर गाड़ियां दौड़ाते हैं, क्योंकि जो बाइक चालक हैं, जो युवा हैं, वो लहरियां मारते हैं, और वही कारण है कि सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाया करते हैं। जिनकी गाड़ियां नियंत्रित हैं, जो स्लो चला रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें रोकने का और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो तेज़ गति में है, हम प्रयास नहीं करेंगे उन्हें रोकने का, क्योंकि बारिश हुई है और गाड़ी स्लिप कर जाए ब्रेक लगने से, यही कारण है कि उन्हें हम नहीं रोक रहे हैं, मगर जिनकी गाड़ियां रुक चुकी हैं, स्लो हैं, उनसे हम बात करेंगे। गाड़ी रुकी है उनसे भी हम बात करेंगे, एक बुज़ुर्ग उनके गाड़ी के पीछे बैठे हैं, और जब गाड़ी रुक गई है तो इनसे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हालाँकि बारिश हो रही है और हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे कैमरामैन और हम दोनों हैं। भैया एक मिनट रुक जाइए भैया। भैया, तेज़ गति में गाड़ियाँ इस ब्रिज पर चलती है और सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ इस ब्रिज पर होती है, डर लगता है ब्रिज पर गाड़ी चलाते? हाँ सर, एक्चुअल स्पीड में ही लिमिट स्कूल में चला स्पीड में चलाना चाहिए लोगों को, कोई दिख नहीं रहा है सर, लिमिट स्पीड में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलानी है, मगर सभी की गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में दौड़ रही हैं, क्या कहेंगे, आपको डर लग रहा है? सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्चुअल तो रिस्की है ही। आपको कितना डर लगता है इस ब्रिज पर? सर, मुझे भी डर लगता है, लेकिन हम तो लिमिट स्पीड में ही चलाते हैं। आप नियंत्रित थे इसलिए हम आपसे बात भी करने लगे। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे, इतना तेज़ रफ्तार और लगातार सड़क दुर्घटनाएं इसी ब्रिज पर सबसे ज़्यादा होती है? बिल्कुल सर, चूँकि ये खुला जगह है इसलिए जो है लोग स्पीड में ज़्यादा चलते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा सा अपना समझना चाहिए कि हो सकता है कभी सडन इस तरह का कुछ ब्रेकेज आ जाए, और हो सकता है कि। तो आपने सुना, हम तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।